और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया। कल उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डिप्टी सीएम बनने के बाद अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे, जो कहा है वो करेंगे। तो वहीं किसानों को राहत देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों को कांग्रेस ने हमेशा ठगने और धोखा देने का काम किया। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा बीजेपी ने काम किया है, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने। छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। कल आपने शपथ ली है, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, किस तरीके से रोड मैप रहेगा? छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा के आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। जो वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। 25 दिसंबर को 2 साल के बकाया बोनस की बात कही गई है, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं? जो कहा है वो करेंगे। ये कर्ज माफी का ऐलान जरूर किया था कांग्रेस से सरकार ने, अभी किस तरीके से राहत किसानों को दी जाएगी? किसानों को कांग्रेस ने हमेशा ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। ये देखिए, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा, रोड मैप तय किया जाएगा और जो वादे किए गए थे, मोदी की गारंटी दी गई थी, उसको भी पूरा किया जाएगा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सली हमले में शहीद हुए जवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। डिप्टी सीएम यहां शहीद जवान के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम ने हमले में शहीद जवान को लेकर कहा कि नक्सलियों को लेकर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं किसानों की कर्ज माफी और धान खरीदी पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। और वो शहीद हो गए हैं, परिवार के से मुलाकात करने, कल उनके पिताजी से भी बात हुई थी, परिवारजनों से भी मेरी बात हुई थी और वहाँ उस परिवार के दुख में शामिल होने, साथ ही साथ ये बात कहने कि पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ है, जिन्होंने ऐसा किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कर्ज माफी तब की जाती है जब किसानों की व्यथा स्थिति ठीक न हो। पिछली बार जो सरकार 5 साल तक रही, कहा किसानों की सरकार हुआ, फिर से कर्जा माफी की क्या जरूरत? चुनाव का लालच देना था खाली। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि किसानों के 21 क्विंटल धान 3100 रुपए क्विंटल पे, अभी जो धान किसान जो धान बेच चुके हैं उनको भी 3100 रुपए के हिसाब से ये सरकार भुगतान करेगी, उसमें कोई संशय नहीं।